अगर आपके भी बनाना चिप्स परफेक्ट नहीं बनते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताई है कि आप बनाना चिप्स कैसे परफेक्ट और क्रिस्पी बना सकते हैं घर पे। तो चलिए आज की ये बनाना चिप्स की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बनाना चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी ले लें और उसके साथ डाल दें 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी। इन दोनों को अच्छे से मिला लें जब तक ये डिजोल्व ना हो जाए पानी में। और ये हमारा पानी तैयार हो गया है बनाना चिप्स को कलर देने के लिए। इसे हम साइड रखेंगे। अब आते हैं बनाना की तरफ। और यहाँ पे हमें कच्चे केले चाहिए होंगे जो हमें सब्जी वाले के यहाँ आराम से मिल जाएंगे। तो जिसकी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, वही हमें केले चाहिए। तो जितने आपको चिप्स बनाने हैं उतने आप बनाना ले लें। और यहाँ पे हम बनाना को अब छीलना शुरू करेंगे। उसके लिए आप इसके स्टेम काट दें। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट को काट दें इस तरह से। इसे हम हटा देते हैं और अब हम बनाना को छीलना शुरू करेंगे। कच्चे बनाना बहुत ही हार्ड होते हैं तो वो हाथों से तो नहीं छीलते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इसे नाइफ से छील लें और इस तरह से छीलें कि जितना भी इसका कच्चापन है वो छिलके के साथ ही निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने बनाना को अच्छे से छील लिया है। तो बनाना हमारा छील के तैयार हो गया है। तो इसे तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम इसे कढ़ाई में ही स्लाइस करके डाल देंगे। तो इसके लिए आपको ये स्लाइसर चाहिए होगा जो कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, मीडियम साइज़ का आप यहाँ पे स्लाइसर का ब्लेड ले लें। और इससे हम अपने बनाना चिप्स बनाएंगे डायरेक्ट कढ़ाई में। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है चॉपिंग बोर्ड पर, सीधा हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं जिसके लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो आप गैस को यहाँ पे बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम करके ही हम इसमें चिप्स स्लाइस करके डालेंगे। तो अपने स्लाइसर को सीधा कढ़ाई के ऊपर रख लें और थोड़ा डिस्टेंस रखें और फिर अपने स्लाइस करते हुए चिप्स डाल दें। तो यहाँ पे हम बनाना को इस तरह से स्लाइस करेंगे और चिप्स अपने आप निकल के कढ़ाई में चले जाएंगे और वो खुद से ही अलग हो जाएंगे। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको फिर भी डर लगे तो पहले आप इसे किसी प्लेट में करें और फिर डायरेक्ट इसे कढ़ाई में डाल दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बनाना को छीला, सीधा इसे कढ़ाई में डाला, बिल्कुल भी नहीं रखना है इसे, नहीं तो ये काला पड़ के खराब हो जाएगा। अब हम इसमें ये हल्दी और नमक का पानी डाल देंगे। तो 1 छोटा चम्मच इसमें पानी डाल दें, फिर आप अपने स्पैचुला से इसे इस तरह से प्रेस कर दें ताकि बहुत ज़्यादा ये स्प्लैटर ना हो। तो आप इस तरह से इसे अच्छे से मिला दें कुछ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा स्प्लैटर होगा उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो बस इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ये तलना है। तो चिप्स को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है अच्छे से चलाते हुए, तभी आपके चिप्स अच्छे से तल पाएंगे। तो बनाना चिप्स में चिप्स को तलना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने चिप्स को अच्छे से नहीं तला तो आपके चिप्स खराब हो जाएंगे। तो हमें बनाना को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर या बहुत लो फ्लेम पर नहीं तलना है। तो आप इसे इस तरह से हिलाते रहें लगातार और इसे अच्छे से फ्राई करें। और थोड़ा टाइम लगेगा इसे फ्राई होने में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हल्के से हो गए हैं, एकदम क्रिस्पीनेस आ गई है। आपको पता चलेगा जब आप इसे उठाएंगे, खुद से दिखेगा कि क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देरी ना करें, इसे झटपट हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे इसमें। फिर हम ये चिप्स निकाल के इसे अलग रखेंगे और इसके आप ऊपर कुछ भी डालें, नमक मसाला कुछ भी डालें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलते हैं इसे हम तैयार करने की तरफ कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। इस पर आप चाहे तो अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। और पहले आप देखिए इसके क्रिस्पीनेस के, कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है कि चिप्स हमारे कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, कितने अच्छे से बने हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें, जो मैंने इसमें टिप्स बताए हैं उन्हें फॉलो ज़रूर करें, तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। और इसे आप सर्व कर सकते हैं नमक डाल के, काली मिर्च डाल के, चाट मसाला डाल के, जो सीजनिंग आपको पसंद हो आप कोई भी इस पर सीजनिंग डाल सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत में हैं तो इस पर आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं खाली। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है और काली मिर्च डाली है और आपके चिप्स बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और जल्दी नहीं सीलेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।